नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज हम बात करेंगे बिहार भवन, एम्स, एनसीएल, एसईसीएल, एसएससी, नवल डॉकयार्ड, एएआई, एयरफोर्स स्टेशन, पीजीसीआईएल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार भवन कैबिनेट सेक्रेटरिएट डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है ग्रुप डी पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 32 रिक्तियों पर आवेदन की मांग की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिकुलेशन पास एंड गुड नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर के 37 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2022 निर्धारित। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप state.bihar.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दो पर हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 111 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। सेक्शन की योग्यता एमएससी, एमफिल, पीएचडी या एमडीएस या एमएस या एमडी या एमएचए या एमसीएच या डीएम एटसेट्रा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधिकतम 50 वर्ष, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अधिकतम 50 वर्ष, एडिशनल प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए अधिकतम 58 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये, एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये। वहीं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जनवरी 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप www.aimspatna.org पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर तीन पर हम बात करेंगे नदर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है माइनिंग सरदार सर्वेयर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 405 रिक्तियों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिकुलेशन या डिप्लोमा या फिर डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व या ओबीसी या एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपए, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या ईएक्सएसएम के लिए या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप nclcil.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर चार पर हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 1532 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता, डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या माइन सर्वेइंग। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष यहाँ पर निर्धारित की गई है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 दिसंबर 2022 निर्धारित है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.secl.cil.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर पांच पर हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम, नेम ऑफ पोस्ट, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 4500 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 और इक्विवेलेंट होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 27 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी या पीएच के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए नो फे यानी कि कोई आवेदन शुल्क नहीं है। करेक्शन चार्ज फर्स्ट टाइम 200 रुपये लगेंगे। वहीं करेक्शन चार्ज सेकेंड टाइम 500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 जनवरी 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ssc.nic.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर छह पर हम बात करेंगे इंडियन नेवी नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 275 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। वहीं शैक्षणिक योग्यता, क्लास 10th पास विद 50% मार्क्स एंड ITI इन रिलेवेंट ट्रेड विद 65% मार्क्स होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट्स का जन्म 2 मई 2009 से पहले होना अनिवार्य है। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें
तो यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो indiannavy.nic.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7 पर हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर कुल 596 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड शुड हैव वैलिड स्कोर कार्ड इन गेट 2020 या 21 या 23 होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो यहां पर अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स 300 रुपये। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 जनवरी 2023 निर्धारित है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.aai.aero पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8 पर हम बात करेंगे एयरफोर्स स्टेशन कानपुर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 250 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो क्लास 10th पास एंड ITI इन रिलेवेंट ट्रेड होना अनिवार्य। आयु सीमा की बात करें तो मैक्सिमम 25 वर्ष यहां निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहां पर कोई आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 निर्धारित है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप indianairforce.nic.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 9 पर हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है डिप्लोमा ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 211 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद 70% मार्क्स होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये, लेकिन SC ST PWBD और वहीं EXSM कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.powergridindia.com पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 10 पर हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पोस्ट का नाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहां पर कुल 551 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन या CA या CMA या CFA या PG डिग्री और डिप्लोमा इन बिजनेस या मैनेजमेंट या फाइनेंस या वहीं आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहां आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो अनरिजर्व या OBC या EWS के लिए 1180 रुपये, SC और ST के लिए 118 रुपये निर्धारित किए गए। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर 2022 तक है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप bankofmaharashtra.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार से जुड़े समाचार में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।